चले मैजिकल माइंड्स, आज के वोकैब में हम देखते हैं कि आज क्या है, आज के वोकैबलरी में क्या है। हाँ जी पल्लवी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। रजत कह रहे हैं बारिश में फ्रॉग्स जो है काफी हैप्पी रहते हैं। सोच लो तो भाई क्या कह रहा है रजत सबको। प्रत्युष बार तिलक, चलिए सब आ गए हैं, मतलब कि सब आ गए हैं क्लास करने। बार वो कैब में आज हम देख रहे हैं। हाँ जी, बारिश हो रही है, बारिश में मिट्टी है, मिट्टी की खुशबू है, और यहाँ एक बच्चा है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे मिट्टी खाते हैं, राइट। तो आपको इमेज में क्या दिख रहा है? आपको इमेज में दिख रहा है कि एक बच्चा है, और बच्चा क्या कर रहा है? मिट्टी खा रहा है। रजत की बात का जवाब दिया है शगुन ने, पिकॉक भी हैप्पी रहता है बारिश में। तो शगुन ने आप सबको पिकॉक से कंपेयर कर दिया है, रजत ने फ्रॉक से कर दिया था। चलो, तो यहाँ पर आप आज के इडियम्स में देख रहे हो, इडियम्स में देख रहे हो, एक बच्चे की इमेज जो आपको दिख रही है, एक बच्चा जो है वो मिट्टी खा रहा है, एक बच्चा जो है वो मिट्टी खा रहा है, राइट। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इसी के रिगार्डिंग कोई ईडियम हम जो है वो देख रहे होंगे। तो ईडियम है यहाँ पर ईट डर्ट, ईट डर्ट, राइट। तो ईट मतलब होता है खाना, डर्ट का मतलब आपको पता है धूल, धूल को आप क्या बोलते हो? डर्ट बोलते हो। ईट डर्ट, राइट, ईट डर्ट मीनिंग क्या है? टू रिट्रैक्ट अ हर्टफुल स्टेटमेंट और बी फोर्स्ड टू एडमिट अ ह्यूमिलेटिंग मिस्टेक। मतलब कि आपने कोई गलती कर दी है, आपने कोई गलत स्टेटमेंट बोल दिया है, आपने कोई गलती कर दी है, और उस हर्टफुल स्टेटमेंट को जो आपने किसी पर्सन के लिए बुरा बोला है, आप उसको वापस ले रहे हो, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ईट डर्ट, दैट इज कॉल्ड ईट डर्ट। कभी कभी इस ईडियम का यूज एक और सेंस में होता है कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, ठीक है, और आप बिना, मतलब बुरा कह रहा है और आप बिना किसी कंप्लेन के सुन रहे हो, तो उसको भी हम वहाँ पे भी इस ईडियम का यूज कर सकते हैं, ईट डर्ट, राइट। और दूसरा मीनिंग इसका क्या होगा? एक मीनिंग तो आपको मैंने बताया, राइट, कि अगर कोई आपको कुछ गलत बोल रहा हो, आप बिना कंप्लेन किए सुन रहे हो, तो वहाँ पे भी हम इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं, ईट डर्ट, राइट। तो डर्ट खाने के समान हुआ ये। या आपने कुछ कहीं गलत बोल दिया है, हर्टफुल स्टेटमेंट बोल दिया है, और उस स्टेटमेंट जो ह्यूमिलेटिंग मिस्टेक आपने की है, दूसरे की इंसल्ट करने की जो आपने मिस्टेक की है, उसको जब आप क्या है मान रहे हो, एडमिट कर रहे हो, राइट, उस स्टेटमेंट को, तो उस पे जो इडियम यूज होगा वहां पे भी आप ईट डर्ट, राइट, ईट डर्ट जो है वहां पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हो। द लॉयर हैड टू ईट डर्ट फॉर द रूड स्टेटमेंट दैट ही मेड अबाउट द क्लाइंट। लॉयर को अपने स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, अपनी ह्यूमिलेटिंग मिस्टेक के लिए, राइट, उसने एडमिट किया था, जो कि रूड स्टेटमेंट उसने अपने क्लाइंट के बारे में बोला था, राइट, उस चीज़ को उसने एडमिट किया था। द लॉयर हैड टू ईट डर्ट फॉर द रूड स्टेटमेंट दैट ही मेड अबाउट द क्लाइंट। उसने जो रूड स्टेटमेंट अपने क्लाइंट के लिए बोला था, उसके लिए उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ी थी, राइट। तो यहाँ पर ई डर्ट का मतलब आप समझ में आ रहा है आपको, राइट। हर्षित ने आगे हमारी बात का जवाब ये दिया कि वैसे तो बारिश में अर्थवर्म और स्नेल भी जो है बहुत खुश रहते हैं, तो भाई तुम लोग पीकॉक, स्नेल, अर्थवर्म, फ्रॉग सब बन गए, राइट। श्रुति, ईट डर्ट तब यूज करेंगे जब आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हो। बॉयज हैड टू ईट डर्ट फॉर बुलिंग इन फ्रंट ऑफ टीचर, गुड शगुन। राहुल गांधी हैड टू ईट डर्ट फॉर रूड स्टेटमेंट दैट ही मेड टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी, शिवम। द हस्बैंड हैड टू ईट डर्ट फॉर क्वेलिंग विद हिज वाइफ, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ईट हाई ऑन द हॉग, ईट हाई ऑन द हॉग, राइट, ईट हाई ऑन द हॉग, ईट मतलब आपको पता है खाना होता है, राइट, हॉग जो है वो पिग को भी बोलते हैं, तो हाई ऑन द हॉग यानी कि यहाँ पर मीट खाने की जो है वो बात की जा रही है, ईट हाई ऑन द हॉग। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो यहाँ इसका मीनिंग है टू लिव वेरी वेल एंड प्रॉस्पर। अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत अच्छे से पर्सन रह रहा है, वहाँ उसके पास प्रॉस्पेरिटी है यानी कि वो रिच है, उसके पास पैसे हैं, वो खुश है, राइट, इन दैट केस हम इस idiom का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो रिच होगा वो मीट खा सकता है, यहाँ से सेंस इसका निकला है ईट हाई ऑन द हॉग, राइट, जो रिच होता है वो मीट खा सकता है, तो यहाँ से इसका सेंस निकला है ईट हाई ऑन द हॉग। यहाँ से आप इसका मतलब याद कर सकते हैं ईट हाई ऑन द हॉग, यानी कि कोई भी पर्सन जो बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत उसके पास मनी है, उसकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, प्रॉस्पेरिटी है उसकी लाइफ में, वहां पे आप इस idiom का यूज कर सकते हैं, राइट, दे हैव बीन ईटिंग हाई ऑन द हॉग एवर सिंस ही गॉट द बिग प्रमोशन, राइट, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से चीजें कर रहे हैं, जब से उसका प्रमोशन हुआ है, जब से उसका बड़ा प्रमोशन हुआ है, राइट, ईट हाई ऑन द हॉग। मैं कह रही है इतनी गंदी चीज कौन खाता है, ये फॉरेन वाले खाते हैं, राइट, तो इंग्लिश हमारे देश की तो भाषा है नहीं। चाइना हैड टू ईट डर्ट फॉर दिस मिस्टेक, बिल्कुल सही तिलक, राइट, तो यहाँ पे ईट हाई ऑन द हॉग आपको सेंस समझ में आ गया होगा, हॉग जनरली पिक के लिए यूज होता है, तो जो रिच लोग हैं वो महंगा मीट खा सकते हैं, तो उस सेंस में यहाँ पे इसका मीनिंग है टू लिव वेरी वेल एंड प्रॉस्पर, राइट। गर्ल्स ड्रीम्स टू ईट हाई ऑन द हॉग, आई एम ईटिंग हाई ऑन द हॉग सिंस आई हैव बिकम CA, ओके, सही बनाया है, राइट, अब आप इमेज में क्या देख रहे हो कि एक बर्ड जो है वो दाने खा रही है, एक बर्ड जो है वो दाने खा रही है, राइट, दीपक बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट, ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड, आज सारे जो idioms है वो ईटिंग से रिलेटेड हैं, ईट लाइक अ बर्ड, तो बर्ड की तरह खाना यानी चुगना, बर्ड की तरीके से चुगना, तो आप देखते हो गए कि जनरली जो लोग बहुत कम खाते हैं, जो लोग बहुत कम खाते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, अरे क्या चिड़िया की तरीके से चुगते रहते हो, अरे क्या चिड़िया की तरीके से चुगते रहते हो, राइट, ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड यानी कि बहुत कम मात्रा में अगर कोई फूड खाता है, बहुत कम कम खाना खाता है, तो वहाँ पे इस idiom का यूज़ हो सकता है, ईट लाइक अ बर्ड, काफ़ी ईजी है, माई मदर कंप्लेन्स दैट आई ईट लाइक अ बर्ड एंड नेवर गेन वेट, माई मदर कंप्लेन्स दैट आई ईट लाइक अ बर्ड एंड नेवर गेन वेट, मेरी मदर कंप्लेन करती है कि मैं बहुत कम खाती हूँ और जिसके कारण मेरा वेट गेन नहीं हो सकता है, मेरा वेट ज़्यादा नहीं हो सकता है, राइट, क्लियर है, समझ में आ गई बात, दे हैव बीन लिविंग प्रिटी हाई ऑन द हॉग सिंस दे वॉन द लॉटरी, बिल्कुल सही है सोनी डियर। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, निशा कह रही है कि ये idiom बहुत स्लो खाने के लिए भी यूज हो सकता है, डियर वो स्लो खाने के लिए आप हिंदी में यूज कर सकते हो, इंग्लिश में ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है कम खाना, ईट लाइक अ बर्ड का मतलब इंग्लिश में होता है कम खाना, समझ में आ रही है बात, राइट, तो यहाँ पर आपका मतलब है कम खाना, स्लो खाने की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो अब कौन खा रहा है खाना, अब हॉर्स खा रहा है खाना, राइट, अभी तक बर्ड खा रहा था, अब कौन खाना खा रहा है, अब हॉर्स खा रहा है खाना, राइट, तो बिल्कुल इसका अपोजिट है, ईट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़ा घोड़े के खाने खाने से कंपैरिजन कब किया जाएगा, जब कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फूड खाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाता है, राइट, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स, इफ़ ही कीप्स
eating like a horse, he will weigh 400 pounds, right? अगर उसने घोड़े की तरीके से वो खाना जारी रखा, right? वो घोड़े की तरीके से खाना खाता रहा, तो obvious सी बात है उसका जो वेट है 400 pounds जो है हो जाएगा, right? Clear है? समझ में आ रही है बात? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंटेंस बना के भेज रहे हैं, ड्यूरिंग द पैथेटिक कंडीशन ऑफ कोरोना मैनी पुअर पीपल हैज टू ईट लाइक अ बर्ड, राइट? मैनी गर्ल्स मदर कंप्लेन दैट they eat like a bird. Rishabh sir eat like a horse. Whenever you have to pay for food, भाई मैंने नहीं बनाया था रिशभ सर के ऊपर सेंटेंस, मेरे को मेरी कंप्लेन मत कर देना, यहाँ पे किसी ने लिखा है. Whenever you have to pay for food, your friends always eat like a horse. Sarthak, good. Some people eat like a horse, but their weight doesn't increase. Okay. Alright. ये बिनु मेरी तरफ से भी ये sentence है. Alright. Some people eat like a horse, but their weight doesn't increase. चलिए आगे देखते हैं. Next idiom क्या है? ये लीजिए. Eat your heart out. Alright. Eat your heart out. कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या होगा? ईट योर हार्ट आउट. राइट. ड्यूरिंग लॉकडाउन वी आर इन अ हैबिट ऑफ ईटिंग लाइक अ हॉर्स. इताशी सही है. फूडी पीपल ऑलवेज ईट लाइक अ हॉर्स. ईट योर हार्ट आउट. ईट योर हार्ट आउट का मतलब क्या है? देखिए, आप अपने दिल को खा गए, आप कह लीजिए आप अपने दिल को खा गए, तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं जी, यहाँ दिल खोल के खाने की बात नहीं है, ब्रेक हार्ट की भी बात नहीं है, दिल तोड़ दिया की भी बात नहीं है, राइट? जितना मन करे उतना खाओ उसकी भी बात नहीं है अदिति. एक्सप्रेस फीलिंग्स टू अदर्स नहीं, जितना दिल करता उतना खाओ नहीं. यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज़ चाहना जो कि आपके पास नहीं हो सकती, यानी जेलसी करना, जेलस होना, राइट? जलन होना. आप वो कहते नहीं है हिंदी में कलेजे पे सांप लौटना, राइट? कलेजे पे सांप लौटना कहते नहीं है हिंदी में, राइट? जलना, कि कोई चीज आपके पास नहीं हो सकती है तो उसके लिए आप जल रहे हो, कोई चीज आपके पास नहीं हो सकती है उसके लिए जल रहे हो, राइट? एन एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन यूज टू टेल समवन दैट दे शुड बी जेलस ऑफ यू बिकॉज यू आर सुपीरियर टू देम इन सम वे. मतलब कि ये एक्सप्रेशन और सामने वाले के लिए यूज होगा जिसको जलन है आपसे क्योंकि आप उससे सुपीरियर हो. ये एक्सप्रेशन आप कब यूज करोगे? आप सामने वाले के लिए यूज करोगे. अगर कोई पर्सन आपसे जलता है तो उसके लिए आप ईट योर हार्ट आउट ये एक्सप्रेशन यूज करोगे. समझ में आ रही है बात? ये चीज है फीलिंग जेलस, बिल्कुल सही, फीलिंग जेलस सोनी, राइट? तो यहाँ पे सेंटेंस में यूज देखिए, आई गॉट टिकट्स फॉर दैट कॉन्सर्ट यू वॉन्टेड टू गो टू, ईट योर हार्ट आउट, राइट? मेरे को वो टिकट्स मिल गए हैं, उस कॉन्सर्ट के टिकट्स मिल गए हैं जिसमें तुम जाना चाहते थे, तो तुम चलो, राइट? आई गॉट टिकट्स फॉर दैट कॉन्सर्ट यू वॉन्टेड टू गो टू, ईट योर हार्ट आउट, राइट? तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट बोल रहा हो कह रहा है सामने वाले को, तुम जलो, राइट? मेरे को वो टिकट कॉन्सर्ट्स के मिल गए जिसमें तुम जाना चाहते थे. ईट योर हार्ट आउट, राइट? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से इडियम्स देखे. सबसे पहले हमने देखा ईट डर्ट. दो सेंस में यूज हो सकता है. पहला सेंस जो यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर कोई आपके बारे में गलत स्टेटमेंट बोल रहा है और आप उसको बिना कंप्लेन के सुन रहे हो तो आप अपने लिए ईट डर्ट इडियम का यूज कर सकते हो. सेकेंड थिंग, अगर किसी ने ऑलरेडी हर्टफुल स्टेटमेंट, ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट
बोला था, ह्यूमिलेटिंग मिस्टेक की थी, और वो उस मिस्टेक को मानने के लिए मानने के लिए फोर्स हो रहा है, क्या उसको वो मिस्टेक एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, तो उस पर्सन के लिए आप यूज कर सकते हो ईट डर्ट। तो यहाँ जो सेंटेंस और सेकंड मीनिंग जो अभी मैंने बताया उस सेंस में, द लॉयर हैड टू ईट डर्ट फॉर द रूड स्टेटमेंट दैट ही मेड अबाउट हिज क्लाइंट। राइट, तो यहाँ पर लॉयर को जो है वो अपना मतलब कि एडमिट करनी पड़ गई थी गलती, जो कि उसने रूड स्टेटमेंट अपने क्लाइंट के बारे में बोला था। राइट, तो ये चीज़ है। राइट, नहीं डियर ऐसा कुछ नहीं है, अश्विनी की पास्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट में अगर अभी कोई अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर वो जो है ये स्टेटमेंट दे सकता है। निशा अभी सारी स्लाइड्स आएंगी। हर्षित, रजत हैड टू ईट डर्ट फॉर कंपेयरिंग अस विद फ्रॉग। सुन लिया रजत? चलिए आगे, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ईट हाई ऑन द हॉग। हॉग मतलब पिक को कहते हैं। यहाँ पर हाई ऑन द हॉग यानी कि लगभग लगभग इस बात का कंपैरिजन चल रहा है कि जो लोग रिच होते हैं, प्रॉस्पेरिटी जिनके पास अमीरी होती है, वो लोग जो है हॉग यानी सुअर का मीट जो है, पिग का मीट जो है वो खा सकते हैं। तो इसका मतलब है टू लिव वेरी वेल एंड प्रॉस्पर, ये कहावत है ईडीएम इंग्लिश में। दे हैव बीन ईटिंग हाई ऑन द हॉग एवर सिंस ही गॉट द बिग प्रमोशन। वो बहुत जो है रिच हो गए, प्रॉस्पेरिटी में उनकी लाइफ चल रही है, क्योंकि उनको सिंस जब से उसको जो है बिग प्रमोशन, बड़ा प्रमोशन मिला था। राइट, ईट लाइक अ बर्ड यानी जो कम, काफ़ी कम क्वांटिटी में खाना खाता है, कम मात्रा में खाना खाता है, फूड खाता है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। माई मदर कंप्लेन्स दैट आई ईट लाइक अ बर्ड एंड नेवर गेन वेट। मेरी मदर कंप्लेन करती हैं कि मैं चिड़िया के तरीके से खाना खाती हूँ, बहुत कम खाना खाती हूँ, और जिसके कारण मैं वेट गेन नहीं कर पाऊँगी। राइट, यहाँ पर हॉर्स के खाने पे बेस्ड ईडियम बेस्ड था। ईट लाइक अ हॉर्स यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाने को हम क्या बोलते हैं, ईट लाइक अ हॉर्स। इफ ही कीप्स ईटिंग लाइक अ हॉर्स ही विल वे 400 pounds। अगर वो यदि वो हॉर्स की तरीके से खाता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो वेट है वो 400 pounds जो है हो जाएगा। ओके, हाँ रजत, दोस्तों की बात का बुरा थोड़ी हम मानते हैं। बिल्कुल सही रजत। राइट, हर्षित, रजत कह रहे हैं दोस्तों की बात का बुरा नहीं मानते, कोई नहीं मैं। राइट, नेक्स्ट ईडियम, लास्ट ईडियम हमारी स्क्रीन पे था ईट योर हार्ट आउट। ईट योर हार्ट आउट, उस समय हम इस एक्सप्रेशन को, इस ईडियम का यूज करेंगे जब सामने वाला जेलस हो आपकी किसी चीज से, कि आपके पास वो चीज़ है उसके पास नहीं है, वहाँ पे हम इस ईडियम का यूज कर सकते हैं। आई गॉट टिकट्स फॉर दैट कॉन्सर्ट यू वॉन्टेड टू गो टू। राइट, मेरे पास उस कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं जहाँ तुम जाना चाहते थे। ईट योर हार्ट आउट, तुम जलो। राइट, तो ये चीज है। ऑल एक्ट्रेस ईट लाइक अ बर्ड। राइट आदित्य, राइट, तो आई होप कि आपको ईडियम्स जो है आज के समझ में आ गए होंगे। चलिए,